30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरा देश शोक में डूब गया था। डूबे भी क्यों ना, राष्ट्र के जननायक महात्मा गांधी जी की हत्या जो कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। यहां तक का सच पूरा देश जानता है, लेकिन इसके पीछे और बहुत सी सच्चाई है जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। इस प्रकार के महान संत का हत्या हो जाना सभी को आश्चर्यजनक लगा। सभी को लगा कि गांधी जी ने किसी का कभी कुछ नुकसान नहीं किया, कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो उनके दुश्मन कैसे हो सकते हैं और उनको इस प्रकार से निर्मम हत्या कैसे की जा सकती है। तो लोग इसको कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूसरा कि यह हमेशा एक विवाद का प्रश्न रहा है कि गांधी जी के कुछ हत्यारे कभी भी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के सामने नहीं आए। शुरू में नौ अपराधी जो पकड़े गए थे उसमें से एक को बरी कर दी गई। अपील में टू मोर एक्यूज गॉट एक्विटेड। बाकी एग्जीक्यूशन सिर्फ दो लोगों की डेथ पेनल्टी हुई, बाकी चार को जो है आजीवन कारावास का मिला। तो लोग और ये पूरा ट्रायल 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई और 15 नवंबर 1949 को अम्बाला में दोनों मुख्य साजिशकर्ता और हत्यारा को फांसी की सजा दे दी गई और फांसी भी दे दी गई। तो लोगों को लगता है कि इतने कम समय के दौरान में सारा चीज़ एकदम हौचपच किया गया, गांधी जी के लाइफ में कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई। 20 जनवरी 1948 में मदनलाल भावा ने उनके बिरला सदन में भीड़ पे बम फेंका था, उसमें भी कुछ पुलिस प्रोटेक्शन उसके बाद एक्टिव नहीं हुई, गांधी जी ने खुद एक्टिव नहीं किया। तो लोग सोचते हैं कि शायद गांधी जी को बचाया जा सकता था, शायद गांधी जी को मारने में कुछ लोगों का बाहरी ताकतों का हाथ हो। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की जांच करवाने की बात उठाई है। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी बात जनता के सामने रखी है। ये सही है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हत्याकांड की जांच जिस तेजी के साथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे उसका पर्दाफाश तत्कालीन सरकार को करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। इसके पीछे जो भी मंशा रही हो, लेकिन इतना तो देश अब समझ चुका है कि कांग्रेस हमेशा अपने फायदे के लिए काम करती है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम पर अपनी राजनीति खूब चमकाई, जमकर फायदा उठाया, लेकिन षड्यंत्रकारियों का वो पर्दाफाश नहीं कर पाई। अब महात्मा गांधी को ही क्यों ले रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे कई राष्ट्रीय नेता रहे जिनकी मौत संदिग्ध स्थिति में हुई, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जांच नहीं करवाई। इतना वक्त गुजर चुका है गांधी जी की हत्या उसके ट्रायल का कि उसको दोबारा कोर्ट के ऑर्डर से री इन्वेस्टिगेशन या रीट्रायल का वो करने का कोई मतलब नहीं है। एक जनहित याचिका को सुनते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2018 में ये कहा था कि इसमें अगर कोई टेक्निकली लैकुना रह भी गया या कोई ऐसी बात रह गई जो उस समय प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुई, तो भी समय इतना निकल चुका है कि उसको दोबारा उठाना या उसको दोबारा इंक्वायरी या उसको री इन्वेस्टिगेट या रीट्रायल करने से कोई भी चीज़ का फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अपराधी को ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया गया है। उस समय हमारे जस्टिस एस.ए. बोबड़े और एल. नागेश्वर राव के बेंच में उस PIA को खारिज कर दिया। तो मेरा मानना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए एक तरह से खारिज कर दिया, उसको सेटल कर दिया, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीएजिटेटिंग द सेम इशू अगेन एंड अगेन इन अनदर फोरम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह दूसरे राजनेताओं की रहस्यमय मौत की जांच देश एक बार फिर से चाहता है, जो होनी चाहिए। दिल्ली से ABNN के लिए सुरेश झा की रिपोर्ट।